students welcome to online classes today we are going to learn lesson 12 means of communication in this lesson we'll study the different ways to communicate with the other people so let's start this lesson we like to send and receive messages the process of sending and receiving messages is called communication सो कम्युनिकेशन मीन्स इट्स द प्रोसेस बाय विच वी सेंड मैसेज एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर पीपल दूसरों को मैसेज भेजना और उनसे मैसेज रिसीव करना इसी प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं इन द ऑल्टन डेज वी यूज टू सेंड मैसेजेस थ्रू पीजीएम्स दे कैरीड मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू एन पुराने समय में हम कबूतरों द्वारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे बट टूडे वी हैव अ नंबर ऑफ वेज टू कम्युनिकेट विथ पीपल लिविंग इन अदर प्लेसेस विद इन सेकेंड्स आर मैसेजेस आर सेंट टू डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विथ वी यूज टूडे आर लेटर्स टेलीफोन रेडियोस टेलीविजन mobile newspaper computers etc let's study one by one okay first is the letter sending messages through a letter is a popular means of communication we buy postcards inland letters and stamped envelopes from a post office we send messages through letters we write messages on पोस्ट कार्ड्स इन लाइन लेटर्स एंड स्टैम्प एंड लेटर्स इन टू दैटर बॉक्स पोस्टमैन डिलीवर्स दिस लेटर्स टू द एड्रेस लेटर्स लिखने के बाद हम उसे लेटर बॉक्स में डाल देते हैं फिर पोस्टमैन जो है वहां से लेटर्स को अलग अलग जगह पर पहुंचाते हैं पिन कोड्स रिटर्न विद एड्रेस

Index number. So the full form of PIN is postal index number. Urgent letters can be sent through speed post or by courier mail. Sending letters normally can take time. So if you want to send letters urgently, we can send it through speed post. Second means of communication is the telephone. इट इज़ वन ऑफ़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी कैन टॉक टू पीपल विद इन सिटीज इन अदर सिटीज एंड इन अदर कंट्रीज थ्रू टेलीफोन वी कैन टॉक टू पीपल लिविंग इट फार अदर प्लेसेस। इट्स वन ऑफ़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टेलीफोन की हेल्प से हम उन लोगों से बात कर सकते हैं जो दूसरे सिटीज़ या फिर दूसरे कंट्रीज में रहते हैं इसके द्वारा भी हम अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं ओके नेक्स्ट इज द मोबाइल फोन इट्स वन ऑफ द पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी यूज नाव ए डेज इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सेल फोन थ्रू ए सेल फोन वी कैन ऑल्सो सेंड एस एम एस देर इज द शॉर्ट मैसेजेस एंड एमएमएस पिक्चर मैसेजेस मोबाइल फोन इज वन ऑफ द पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज वी कैन कैरी इट टू एनी वेर रिजेंट इट मोबाइल फोन को हम अपने साथ कहीं पर भी ले जा सकते हैं इस वजह से यह बहुत पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इससे हम दूसरों को शॉर्ट मैसेजेस और पिक्चर मैसेजेस भी भेज सकते हैं नेक्स्ट इज द फैक्स थ्रू फैक्स वी कैन सेंड रिटर्न एंड प्रिंटेड मैटर टू अदर प्लेसेस इट रीचेस इंस्टेंटली फैक्स द्वारा हम दूसरों को रिटर्न या फिर प्रिंटेड मैटर भेज सकते हैं दिस इज द फैक्स मशीन थ्रू विच रि सेंट रिटर्न और प्रिंटेड मैटर टू डिफरेंट पर्सनस दैट रीचेस इंस्टेंटली नेक्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज द न्यूज पेपर न्यूज पेपर की डिटेल न्यूज ऑफ इवेंट्स ऑफ आर कंट्री As well as of the world. Through newspaper, we get the detailed news of the events which is happening in the country as well as in the world. Newspaper ke through, hame puri dunya ki news ek saat mil jati hai. The full form of news is north, east, west, south. So, through newspapers, we get information from all the directions of the world. न्यूज की फॉर्म क्या होती है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नेक्स्ट इज द रेडियो थ्रू रेडियो वी कैन लिसन टू द लेटेस्ट न्यूज सॉन्ग्स एंड मेनी अदर प्रोग्राम्स रेडियो के थ्रू हम न्यूज सॉन्ग्स और बाकी प्रोग्राम्स सुन सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो स्कोल्ट आकाशवाणी एफ एम रेडियो हैज बिकम वेरी पॉपुलर डेज we are unable to see in the radio but we get all the information about the news and the programs on the radio all india radio kaka jata akashwani kahajata television it's an important means of communication we can watch many programs like movies serials news and sports on television

of different programs news etc because of this the television has become very popular next is the computer email and internet are two means of communication through computer we can know about the latest happenings through the internet द कॉमन मीन्स थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन कंप्यूटर आर द ईमेल्स एंड इंटरनेट थ्रू इंटरनेट वी गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द लेटेस्ट हैपनिंग्स ऑफ द वर्ल्ड विद इन सेकेंड्स कंप्यूटर में हम ईमेल्स और इंटरनेट के थ्रू दूसरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू हम दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज थ्रू ई मेल द फुलॉर्म ऑफ ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल सो थ्रू ई मेल वी कैन सेंड एंड रिसिव मैसेज इन कंप्यूटर कंप्यूटर्स में हम ई मेल्स के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं लास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर द सेटेलाइट्स कम्युनिकेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू सेटेलाइट्स they have made communication faster through satellites also we can communicate with other people living anywhere in the world they have made the communication system faster for example we can watch a cricket match live being played anywhere in the world we get all the information about the events happening in the world in television बिकॉज ऑफ द सेटेलाइट वी कैन वॉच ऑल द क्रिकेट मैच बींग प्लेड एनी वेयर इन दर्ल्ड सेटेलाइट्स है कम्युनिकेशन सिस्टम फास्टर एंड ईजियर सेटेलाइट्स ने हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को फास्टर और ईजियर बना दिया है दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन हमें आसानी से कहीं पर भी मिल सकती है these modern means of communication have brought the world closer these are the various means of communication which we use in our daily life to communicate with the people they are the letters telephone radios televisions mobiles newspapers etc and through the internets and the satellites we get all the information about the world within no time. They have made the communication system faster. With this, we have finished this chapter. Thank you.